अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और क्या चल रहा है आजकल मौलाना के बारे में? मौलाना अभी उसमें पुलिस रिमांड पर हैं जी जी, और कोर्ट से उनको एटीएस को सख्त अहकाम जो है वो दिलवाए जा चुके हैं। उसमें ऑर्डर में कि किसी तरह से उनको परेशान नहीं किया जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उनके मेडिकल का और उनकी एज का ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, पुलिस रिमांड में तो बड़ी अजियतें पहुंचाई जाती है। नहीं 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 नहीं, मौलाना को अभी तक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है जी, और उनको उनके उनके इज्जत और उनके मर्तबे और उनके वकार का पूरा पासो लिहाज रखा गया है। और एटीएस को भी ये मालूम है कि मौलाना मतलब वो पहले के जमाने में ये छोटे मोटे जो वो होते हैं ना चोर और उन सबको वो टॉर्चर किया जाता है। जी 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 जी, हाँ यही लग रहा था कि पुलिस नहीं 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 मौलाना नहीं नहीं नहीं, वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो अलग होता है भाई। चिदम्बरम जेल गए या वो पुलिस रिमांड पे गए तो आपको क्या लगता है चिदम्बरम का टॉर्चर क्या होगा? जी 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 जी, तो मौलाना का हर तरह से ख्याल है। मौलाना से बार बार मैंने पूछा, खुद सरकारी जो एटीएस के वकील थे और एटीएस के अफसरान थे उन सब ने मुझसे कहा कि बहुत आराम से हैं, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह से कोई तकलीफ हम इनको नहीं होने देंगे। इवन की उनके उनके घुटने में परेशानी है इसलिए उनको बैठने के लिए कुर्सी वगैरह उन सारी चीजों का एटीएस ने बाकायदा इंतजाम किया था। अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह देखते हैं उस पर। चलो खैर, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। वैसे क्या है क्या आज से आगे के आगे क्या कार्रवाई हो, क्या क्या चले? अब देखते हैं, चार्जशीट तो अभी आई नहीं है। बहुत से लोग अब असल में मसला ये है ना कि बहुत से लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं। जी जी, अब एक बड़े आलिम दीन की तरफ से मैंने आज सुबह फेसबुक पे एक स्टेटमेंट देखा, चार्जशीट आ गई है और चार्जशीट में कोई इल्जाम नहीं। अच्छा, तो मतलब चार्जशीट तो नहीं आ सकती है दो दिन के अंदर? नहीं आ सकती है और ना आई है। जी जी जी, तो इस तरह की चीजें बहुत सी वो है। जी चलो खैर, अल्लाह ताला वैसे आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला जो है वो मौलाना की खिदमत करने का मौका दें। आमीन आमीन, खिदमतों को कबूल करें, कोशिशों को कामयाब करें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप भी दुआ करिए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम सब लोग दुआ कर रहे हैं और तमाम पूरी उम्मत दुआ कर रही है हजरत के लिए। जी इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।